अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का एग पुलाव, जिसके लिए आपने 1 kg चिकन लेना है, वो भी बोनलेस, और उसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले जिस पतीले या रेचके में आपने ये बनाने हैं, उसमें आपने घी डालना है। आपने चावल भी 1 kg ही लेने हैं, तो चलिए अपनी अब इसमें हमने घी डाला है। इसमें फिर अब मैं प्याज डालूँगी। देखिए जैसे ये गर्म होगा, इसमें आपने प्याज ऐड करने हैं। और दूसरी तरफ जो चिकन है, आपने उसको थोड़ा सा नमक लगा लेना है, क्योंकि इससे चिकन नीचे नहीं चिपकेगा और इसमें टेस्ट भी आएगा चिकन में, वो फीका फीका सा नहीं लगेगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स करके रख दें, जैसे ही आप प्याज ब्राउन हो इसमें डाल दें। अब इसमें प्याज डालेंगे हम। प्याज डालने के बाद इनको ब्राउन करेंगे। जैसे ये हल्के से ब्राउन होंगे, हम इसमें जिस चिकन का नमक लगा कर रखा था वो ऐड कर देंगे। देखिए ये फ्राई हो रहे हैं। अब आपने हरी मिर्च लेनी है, 4 अदद अंडे लेने हैं और अदरक लेनी है। इनको ग्राइंड कर लेना है, टमाटर वगैरह सारी चीज़ों को, और अंडे आपने अलग से रखने हैं, अंडों को ग्राइंड नहीं करना है। हरी मिर्च, अदरक और टमाटरों को आपने करना है। तो चलिए मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। देखिए आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने चिकन ऐड करके चम्मच हिलाना है, सारा ऐड कर दीजिए। इसको अच्छे से फ्राई करें आप, जब तक ये हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए। मैं देखिए हमने ये चावल दिए 1 kg हैं, मैं इनको भिगो के रख दूँगी जब तक ये फ्राई हो जाएगा। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमें हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया था, इनको जिनको ग्राइंड किया था, ये ऐड करेंगे और इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये हरी मिर्च का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे और तेल और घी ऊपर ना आ जाए। तो चलिए अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। हल्दी डाली है मैंने अब इसमें, सूखा धनिया, नमक। आपने नमक इतना ज़्यादा नहीं डाल देना, क्योंकि आप बाद में टेस्ट कर भी ऐड कर सकती हैं, इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप ऐड करिएगा, क्योंकि यह बाद में दोबारा भी ऐड कर सकती हैं। ज़ीरा डालूँगी इसमें मैं पिसा हुआ। और ये स्पेशल टिक्का मसाला डालूँगी, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ये टिक्का मसाला डाला है ताकि इसमें टिक्के का टेस्ट आए। चलिए इनको मिक्स कर देंगे। सुरख मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि वो टिक्का मसाला में भी थी और हमने हरी मिर्च, रेड चिली की जगह हमने हरी मिर्च ऐड की है इस वजह से। अब अंडों को फेंट कर हम तवे पर घी डालेंगे और इनको फ्राई करके इनको फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया, अब हम अंडे को डालेंगे। इसमें हमने सिर्फ नमक ऐड किया, उसके अलावा आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। मैंने इसमें नमक ऐड किया जस्ट। जब ये हो जाएगा तो हम इसको चॉप करेंगे छुरी या चम्मच की मदद से अच्छे से, क्योंकि ये हमने उसमें ऐड करना है। तो चलिए इसको अच्छे से कर लें। जब हम इसकी साइड पलटेंगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर तवे के ऊपर ही हम इसको चॉप कर लेंगे छुरी की मदद से, या जिससे भी आप करना चाहें। ये देखिए अब हमने इसको पलट दिया है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, गैस मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको छुरी से पीसेस में कट करके चॉप करूँगी। क्योंकि ये हमने जब दम देना है तब ऐड करना है, इसलिए इसको अच्छे से चॉप कर लें। तब तक हमारे चावल हो रहे हैं, फिर इसके बाद हम उसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी
और दूसरी तरफ चावल देखेंगे, हम अपने चिकन को देखेंगे। फ्राई हो गया तो अब हम फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए आपको घी नज़र आ रहा होगा कि जो कि ऊपर आने लग गया है। आप देख सकते हैं इसमें हमने पानी डाला है, जितने चावल हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें पानी डालना है, मतलब उससे ज़्यादा। अगर दो डब्बे हैं, दो हैं वन, तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालेंगे, मतलब कि आप किसी बर्तन के हिसाब से उनमें चावल की पैमाइश करके उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा, और गरम मसाला भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अब ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, और मैं इसमें थोड़ी सी दही भी ऐड करूँगी क्योंकि इससे चावल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और मज़े के भी लगते हैं। आपने एक प्याली इसमें दही ऐड करनी है। ये देखिए पानी पक रहा है, अब इसमें चावल ऐड करेंगे। और फिर इसमें अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और आँच तेज़ कर देंगे। अब आप नमक टेस्ट करके अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकती हैं चावल डालने के बाद। ये देखिए हमारा पानी पकना शुरू हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर दीजिए। पहले थोड़ा कम किया था, अब और डालेंगे क्योंकि गरम मसाले का टेस्ट बाद में डालना चाहिए। और तीन से चार साबुत हरी मिर्ची डालेंगे। ये देखिए मैंने भी ऐड की हैं जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ये पानी खुशक हो गया हो रहा है, और अब हम इनको दम देंगे। ये जो मैंने अंडे चॉप किए थे ये मैं इनको डालूँगी इसके ऊपर। अब और इसके साथ ही मैं रायता भी बनाऊंगी। अब मैं इस पर थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। धनिया डालकर हम इसको दम पर रख देंगे। अब हमारा दम पे चावल रखे हुए तैयार हो गए। अब हम इसका दम खोलेंगे और इनको मिक्स करेंगे, फिर इनको डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए अब इनको आप मिक्स कर लें अच्छे से, ताकि ये जो हमने अंडे अंड पे डाले थे ये सारे चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप इसको रायते के साथ गेस्ट को पेश करेंगे, गेस्ट भी आई तो ये आप बनाएं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मम्मा चले नीचे।